एक तरफ सरकार अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अवैध शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला रायबरेली जिले का है, जहां हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें तकरीबन 1100 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। रायबरेली से अक्षय मिश्रा की रिपोर्ट।